नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के विषय में बताने जा रहा हूं जो कि सभी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। वो भारत के कोई भी हो, वकील हो, पुलिस वाले हो या आम पब्लिक हो, भारत का जितना नागरिक है सबको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि मैं जो बात बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, और केस नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो में आगे मैं केस नंबर भी बताऊंगा, आप जाकर के सर्च करके पूरी तरह देख भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो छोटी बनाऊंगा मैं और केस लंबा है तो पूरा अगर डिटेल सही तरीके से आप जानना चाहते हैं तो उसको पूरा आप जाकर के देख सकते हैं। मैं उसका निचोड़ आप लोगों को बताऊंगा बहुत अपने शब्दों में, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ वही बात को बताऊंगा मैं। तो दोस्तों FIR होते ही पुलिस अधिकारी के लिए एक आसान हथियार बन गया है। पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी इसलिए करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ये ऐसी शक्ति है। पुलिस अधिकारी दोस्तों जब लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके आगे जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके साथ क्या बीतती है, ये तो FIR हो गई। FIR जैसे हुआ आपको उठा करके पकड़ लिए, पकड़ करके लेके आए, पर जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है टोला मोहल्ला वाले, गांव पड़ोस वाले, रिश्तेदार नातेदार, जहां तक ये बात पहुंचती है दोस्तों एक निशान छोड़ती चली जाती है कि क्यों गिरफ्तार किया गया। भले गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार किया गया है उसको कुछ किया है या नहीं किया है उससे मतलब नहीं है। पुलिस अधिकारियों के लिए ये विशेष जजमेंट कई एक बार दिए हैं, गिरफ्तारी के शक्ति का प्रयोग करते समय समाज में किसी प्रकार गिरफ्तारी को लेकर के आक्रोश ना हो, समाज के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये नहीं कि FIR होते ही गिरफ्तार कर ले, वो चाहे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध क्यों ना हो, ऐसी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है और कहना है गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है और इसलिए पुलिस अधिकारी के लिए ऐसा करना वैध है। दोस्तों गिरफ्तारी किसी के करने से पहले FIR हुई है तो उसकी सही से जांच किया जाए। पुलिस वालों का काम है, पुलिस अधिकारियों का काम है कि उसका सही से होमवर्क करें, क्या सही है क्या गलत है पहले उसकी जांच कर लिया जाए। जब उसकी जांच हो जाए तब अगर वो सही पाया जा रहा तो उसको गिरफ्तार करिए, क्योंकि जब गिरफ्तार होता है तो जिस इंसान को गिरफ्तार किया जाता है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गिरफ्तारी की शक्ति का होना एक बात है, पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति मिली हुई है वो एक अलग बात है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको सिद्ध करने में भी पुलिस अधिकारी को सक्षम होना जरूरी है। ये नहीं कि गिरफ्तार कर लिए हैं फिर इधर उधर करने लगे, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो रहा तो उसकी तो बदनामी हो गई समाज में ना। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के आरोप मात्र के आधार पर सामान्य तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण और समझदारी पूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बात को कही है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। FIR हुई है, अच्छी बात है, FIR हो गई है, तो ये नहीं कि हम FIR हो गई तो उसे जाकर के धर दबोच लिया जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले उसकी जांच करनी है, तब जाकर के अगर वो पाया जाता है, वो चाहे क्यों ना संज्ञेय अपराध हो, गैर जमानती हो, तो पहले जाकर के जांच करिए। जब वो पाया जाए कि आप आरोप सिद्ध कर लेंगे तब उसे गिरफ्तार करिए, ताकि गांव समाज मोहल्ले में अगर उसकी कोई बदनामी कुछ भी हो रहा है तो वो सच में किया है तो हो रहा है तो भाई कोई बात नहीं। अब अगर व्यक्ति नहीं किया है और उसको आप उठा लाए हैं बाद में उसे छोड़ दिए हैं तो ये चीज़ गलत पाया जाता है। मगर अब आप लोगों को दोस्तों चाहिए केस नंबर, तो केस नंबर ये मैं लगाए दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं केस नंबर में, इस केस से जा करके सर्च करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं
और दोस्तों वीडियो अच्छी लग गई हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।